I'm Dr. Sanjeev Joshi, Deputy CEO of Brahmos Aerospace. जैसा अभी आप बता रहे हैं कि अब हम जानना चाहते हैं कि ब्रह्मोस कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ जब एक समय पर जब ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म स्टार्ट हो रहा था इराक में, तो उस समय पता चला कि जो क्रूज मिसाइल्स हैं उनकी अपनी एक इम्पोर्टेंस है और उस इम्पोर्टेंस के कारण हमें कहीं उस समय हमारे देश को भी कहीं वो उस तरह की मिसाइल बनाने की ज़रूरत है। जब वो ज़रूरत का हमें समझ में आया तो ऑलरेडी हमारे देश में DRDO एक काम शुरू कर रहा था, IGMDP प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसमें हमने पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल एंड अग्नि, ये 5 तरह की मिसाइलों के बारे में पर काम कर रहे थे। और उसी के साथ एक और प्रोजेक्ट था जिसको बोलते थे RCI। आज जो लैब है वो किसी को नहीं पता कि वो छठा प्रोजेक्ट क्या था। वो छठा प्रोजेक्ट RCI था जिसका काम था एवियोनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना। RCI में आज की डेट में हमारे पास हर तरह के एवियोनिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है। तो जब उन पर काम हो रहा था तो हमने पृथ्वी जो है बैलिस्टिक मिसाइल है, अग्नि भी बैलिस्टिक मिसाइल है, आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है, नाग एंटी टैंक मिसाइल है, तो ये सारी में, और त्रिशूल जो है वो तीनों आर्म फोर्सेज के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन तीनों के लिए कार्य करती थी। जब उसमें हमने एक लेवल तक काम कर लिया, 1984 में IGMDP प्रोग्राम आया, और उसके बाद जब हमने अगले 10-15 सालों तक जब हमने काम किया तो उस समय ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के टाइम पर लगा कि हाँ, क्रूज भी हमारी एक रिक्वायरमेंट है, क्रूज मिसाइल हमको बनाना चाहिए, लेकिन हमारे पास उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो और हमें कम समय में वो काम करना था, तो हमने क्या सोचा, हमने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं कि क्या सिचुएशन हो सकती है। तो उस समय हमने देखा कि किसी भी चीज़ को सक्सेसफुल, या इवन हमें भी अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए क्या करना चाहिए, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस और स्ट्रेंथ, इन सब चीज़ों को देखना चाहिए। तो SWOT एनालिसिस, उसी को एक दूसरे शब्दों में बोला जाता है TOWS एनालिसिस, TOWS, थ्रेट, अपॉर्चुनिटी, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। तो उसके बेसिस पर हमने देखा आज की डेट में हमारे लिए थ्रेट क्या है, क्रूज मिसाइल नहीं है हमारे पास। अपॉर्चुनिटी क्या है कि रशिया हमको इस तरह का एक इंजन जिसके साथ हम एक नई तरह की मिसाइल डिज़ाइन कर सकें, वो हमको मिल रहा है। वीकनेस भी हमारी, हमारे पास क्रूज नहीं थी, ऐसे ही स्ट्रेंथ अगर उससे अगर जॉइंट डेवलपमेंट करके, क्योंकि हमारे पास स्ट्रेंथ क्या था कि हम उस समय एक IGMDP प्रोग्राम पर काम कर चुके थे, हमारे पास एक लेवल की कैपेबिलिटीज थी कि हम एक मिसाइल का आधा हिस्सा रैमजेट इंजन के अलावा बाकी हिस्सा हम बना सकें। तो हमने उस समय रशिया के साथ बात किया, उस समय हमारे डॉक्टर कलाम साहब ने इस बारे में सोचा और डॉक्टर पिल्लई साहब ने हमारे इस बारे में सोचा कि हाँ, एक ऐसा इंजन है रैमजेट इंजन जिसको लेकर के हम एक नई मिसाइल डेवलप कर सकते हैं जो वर्ल्ड की एक बेस्ट मिसाइल हो। बार बार कलाम साहब का कहा करते थे कि हमें एक ऐसा काम करना है जो विश्व में किसी ने नहीं किया, ऐसा काम करना है। उस समय उन्होंने सोचा कि ये एक इंजन है जिस इंजन पे काम किया जा सकता है, उस इंजन के बारे में बात शुरू हुई और उस पर कंसेप्ट के तौर पर करीब 94-95 से लेकर 98 तक काम किया गया। 98 में एक कंपनी को रजिस्टर किया गया जिसका नाम था ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड। अब वो आप कहेंगे ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड क्यों, क्यों नहीं वो PSU बनाया गया? क्योंकि किसी भी R&D को करने के लिए, किसी भी नई चीज़ को करने के लिए आपको बियॉन्ड द लाइंस जाना पड़ता है, तो उसको गवर्नमेंट सेटअप में कर पाना संभव नहीं था उस समय। तो उस समय उन्होंने कहा नहीं, इसमें ऐसा करते हैं कि 50.5 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और 49.5 गवर्नमेंट ऑफ रशिया के पार्टनरशिप होगी। तो इस तरीके से एक ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड 98 में बनाई गई। इस समय हमारा 25वां सिल्वर जुबली साल भी चल रहा है ब्रह्मोस का, और इन 25 सालों में ब्रह्मोस ने बहुत तरक्की की है। अगर देखा जाए ब्रह्मोस आज की डेट में हमारी तीनों सेनाओं, चाहे हम कहें आर्मी, नेवी या एयरफोर्स, इनका फ्रंट लाइन वेपन है और वो इस टैक्टिकल मिसाइल को एवरीबडी लाइक्स, और उसके पीछे बहुत सारे लोगों का की मेहनत है। उसमें हमारे रशियन काउंटर पार्ट्स की भी मेहनत है, हमारे दूसरे काउंटर पार्ट डिफेंस R&D काउंटर पार्ट DRDO के साइंटिस्ट की भी मेहनत है। तो इस तरीके से दोनों जगहों से काम करते हुए इस मिसाइल पर हमने
तीन साल के अंदर 98 में हमने ये कंपनी रजिस्टर की गई थी, 2001 तीन साल के अंदर हम इस मिसाइल का पहला टेस्ट इस तरह के स्लांट में हम कर पाए थे, इस तरह के स्लांट एंगल पर हम कर पाए थे। ये पहला उसका टेस्ट था। और उस टेस्ट के बाद हमने तीन साल में ये दिखा दिया कि हम इस मिसाइल को, हम किसी भी मिसाइल को स्मॉलेस्ट जेस्टेशन पीरियड में बना करके दिखा सकते हैं। अब स्लांट में बनाया था, स्लांट में बनाने का प्रॉब्लम क्या होता है कि स्लांट में जब हम टारगेट एकदम हिट किया, हमने बहुत अच्छा हिट किया था, लेकिन उसके बाद क्या होता है जब स्लांट को जब हमें यूज़ करना पड़ता है तो क्या होता है कि हमें शिप को उसी डायरेक्शन में टर्न करना पड़ता है जहाँ अप्रॉक्सीमेटली जो टारगेट की लाइन है उस लाइन पर हमें करना पड़ता है, देन उसको फायर करते हैं। तो हमने देखा, अब इसके बाद हमने क्या काम किया, हमने कंटिन्यूस कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट, मतलब जैसे जैसे हमारी आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती थी या हमें लगता था कि हम इसको और आधुनिक और बेहतर बना सकते हैं, हमने उसके बारे में सोचा। हमने सोचा कि इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने वर्टिकल लॉन्च के बारे में सोचा। वर्टिकल लॉन्च का क्या फ़ायदा होगा, वर्टिकल लॉन्च का फ़ायदा ये होगा कि अगर मैं उसको पॉपअप करता हूँ लाइक इस तरह से, तो किसी भी एंगल में 360 डिग्री के एंगल में कहीं पर भी वो टारगेट को हिट कर सकती है, जबकि हम जो स्लांट में थे, स्लांट में किसी एक ही एंगल पर मैं इसको हिट कर सकता था, लेकिन इस केस में हम किसी वर्टिकल लॉन्च की कंडीशन में, इस कंडीशन में हम किसी भी 360 डिग्री अटैक कैपेबिलिटी हमको मिल गई। फिर हमने उसके बाद फर्स्ट सेकंड एडवांसमेंट किया कि हमने इस पर काम किया, हमने सबमरीन बेस्ड टेस्ट भी किया है, मींस सब सरफेस, सी, लैंड एंड एयर। आज की डेट में हमारे पास सारे प्लेटफॉर्म्स पे हम इस मिसाइल को डेवलप कर लिया। इसमें हम इसके बाद हमने 2005 में पहली जो मिसाइल्स की डिलीवरी थी वो हमने नेवी को किया। उसके बाद हमने आर्मी के लिए लैंड वर्जन बनाया। ये लैंड वर्जन में ये मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर है, जैसे ये आप इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे देख सकते हैं, वो मोबाइल कमांड पोस्ट है। और इस तरीके से बैटरीज लगी हुई है, एक बैटरी है, इस तरह से चार बैटरीज आपकी लग सकती हैं। ये मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर्स मिला करके एक बैटरी बनती है। तो इस बैटरी की जो रिक्वायरमेंट है हम इसको पूरा कर सकते थे विद लैंड सिस्टम्स। तो जब लैंड सिस्टम हमने इसका बनाया, तो इसकी एक बेनिफिट यह है कि इट वर्क्स ऑन मास्टर एंड स्लेव कॉन्फ़िगरेशन। मास्टर कॉन्फ़िगरेशन मीन्स वी आर हैविंग टू अप्रोचेज। इफ इन एनी केस इन वॉर टाइम सिनारियो, अगर सपोज ये कोई मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर अगर डैमेज भी हो जाता है, तो इंडिविजुअल मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर ये अपने आप में किसी भी टारगेट को हिट करने में सक्षम है। इसके बाद हमने फर्दर इन्हांसमेंट किए, अगर इसकी फर्दर कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट है, उसके बाद हमने एयर वर्जन पे काम किया। उसके ये इसका एयर वर्जन है, एयर वर्जन हमने Su-30 पे हमने इस मिसाइल को रख के इसका एयर वर्जन बनाया है। इस एयर वर्जन इसमें इसके लिए जो मिसाइल है ये 2500 केजी यानी 2.5 टन की मिसाइल है। इट इज़ द हैवीएस्ट मिसाइल फॉर एनी प्लेटफॉर्म। इसको इसी चीज़ को हम बोलते हैं कंटिन्यूस कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट। हमने उसके बाद उसका एक डिफरेंट तरीके से कैसे हम इसको इसी मिसाइल को एयर वर्जन में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हमने Su-30 के लिए इसको बनाने की कोशिश की और हम इसमें सफल भी हुए। हमने इसके लिए लॉन्चर भी खुद बनाया है, ये इंडिजीनियस लॉन्चर है, HAL इसको प्रोड्यूस कर रहा है। और ये लॉन्चर का एक्चुअल लॉन्चर हम आपको अभी वहाँ दिखा सकते हैं, अभी जब हमारे मॉडल्स हैं वहाँ पर दिखाएंगे आपको। तो इसके साथ साथ आज की डेट में ये एयरफोर्स का भी एक प्राइम अटैक वेपन बन चुका है, और इसकी एक जो यूनिट है वो ऑलरेडी तंजावुर में बना दी गई है, जिसको टाइगर शार्क बोलते हैं अभी। तो इस तरीके से हमने ब्रह्मोस एयर वर्जन भी बनाया। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कैसे हम कंटिन्यूसली कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट करते हैं, उसका मतलब क्या है।
तो हम देखते हुए चलते हैं अभी। जब अभी हम बात कर रहे हैं इसके बारे में तो हम ये अलग अलग तरह के हमारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे DPM सेंसर है, आउट ऑफ कैनिस्टर सेंसर है, फिन अनफोल्डिंग सेंसर है, फिन कैसे अनफोल्ड होते हैं जब कैनिस्टर में से निकलती है, वेंटिलेटर्स हैं उसके, इसके बाबा एंटी बोलते हैं इसे, तो अलग अलग तरह के सेंसर्स हैं वो बनाते हैं हमारी इंडस्ट्री पार्टनर्स, हम उनको वेंडर नहीं बोलते, हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं। और हम इसको हमारे साथ आज की डेट में 200 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हमारे साथ इन्वॉल्व हैं। अब इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं का मतलब क्या है, जब हमने इसका इंडिजिनाइजेशन किया तो इंडिजिनाइजेशन करने के बाद के लिए पर हमारे पास हमने कई सारे कंपोनेंट हमने ब्रह्मोस के लिए बनाए। अब लेकिन जब ब्रह्मोस के लिए बना रहे हैं तो उसके अलावा इन कंपनीज में भी कैपेबिलिटीज़ बिल्ड हो रही हैं, ना केवल अपनी इसी मिसाइल के लिए, देश की और भी मिसाइल्स जो बनेंगी, जिसमें हमारे अभी हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत की बात कहते हैं, जब वो मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड की बात करते हैं, तो हम आज अभी अपनी मिसाइलों के लिए अलग अलग तरह के कंपोनेंट, स्वदेशी कंपोनेंट बना सकते हैं। और ये सभी कंपनियां हमारे साथ भी सहयोग कर रही हैं और DRDO के और मिशंस में भी ये सहयोग करती हैं। तो हमारे ब्रह्मोस मिसाइल को बनाते हुए उनको इस कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट का भी मौका मिला है। इसके आगे जब हम बात करेंगे, ये हमारे इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स हैं, अलग अलग पिलानी में है, नागपुर में है, हैदराबाद में है, तो ये यहाँ पर इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स में हमारे जो भी कंपोनेंट्स हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स बनाते हैं यहाँ पर हम इंटीग्रेट करते हैं और एक मिसाइल के फॉर्म में इसे तैयार करते हैं। उसके बाद ये ब्रह्मोस मिसाइल तैयार होती है जिसको आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को दिया जाता है। अब हम आगे बात कर रहे हैं, जब हम कंटिन्यूस कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट की, तो ये हम कंटिन्यूस कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट को इस तरह से दिखाते हैं। पहला मैंने आपको बताया था एंटी शिप वर्जन इस तरह से बनाया है। फर्दर हमने ब्रह्मोस ब्लॉक 1 बनाया है जो एंटी शिप वर्जन है और इट इज़ ए वर्टिकल लॉन्चर जिसमें 360 डिग्री का कैपेबिलिटी मिली।